टू लेक जनरेशन प्लान का फाउंडर आज डेट में ओके लाइफ लोगों ने मान लिया है, और इंडिया में सबसे ज्यादा प्लान पिछले 15 साल में कोई कॉपी हुई है तो मुझे लगता है ओके लाइफ का प्लान है। मैक्सिमम कंपनी जो भी अब नई आ रही हैं, इवन पुरानी कंपनीज भी देख कुछ बदलाव कर रही हैं, तो ओके लाइफ की आइडियोलॉजी को कॉपी कर रही है, जैसा मैं भी देख पा रहा हूँ इस समय। सर, सवाल यहाँ पे ये है कि जब इतना बढ़िया प्लान था तो दो लोग एडिशनल ऐड आपने क्यों किया, बिकॉज उसको लेकर कुछ नेगेटिविटी लोगों ने फैलाने का प्रयास किया मार्केट में, तो ऐसे लोगों क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, पहली चीज तो ये है कि क्योंकि मुझे याद है सर कि मात्र 3 साल में 42 लाख तक के अपने पे आउट दी एक सिंगल आईडी पे दो लेक में ही, तो उसके बावजूद फिर आपने दो एडिशनल ऐड क्यों किया था? अच्छा चलो, अब मैं अगली बात बताता हूँ जी। हम लोगों ने जो बिजनेस प्लान चलाया जी, सबसे लंबे समय तक 2 लाख जनरेशन प्लान, बिल्कुल सही सर। लेकिन आप जब 2 लाख जनरेशन प्लान की बात करते हैं तो लोगों को एक परसेप्शन रहती है, 2 लाख है तो जनरेशन है कि बाइनरी है, कंफ्यूजन रहती है जी। और हम लोग है ना कभी भी कंफ्यूजन में नहीं जाना चाहते। हमने 4 साल 5 साल लगातार प्रयास किया कि भैया ये जनरेशन प्लान है, जनरेशन प्लान है, जनरेशन प्लान है, कितना ही आप समझा लो, पर कुछ लोग बोलते थे हैं तो 2 ही लाख ना जी। तो हमने क्या कहा, तीसरी लो, चौथी लो, पांचवी लो, छठी लो, जो आपका दिल करे करो। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ऐसे में जो पॉइंट वैल्यू बेस्ड बिजनेस प्लान है उसमें एथिक्स का होना बहुत जरूरी है, राइट काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस का होना बहुत जरूरी है। आप हाल देख लीजिए जिन जिन लोगों ने कॉपी किया जी, आपकी पॉइंट वैल्यू आज भी उनसे कहीं बेहतर आती है। यस यस, क्यों? उन जिन्होंने कॉपी किया है उनकी पॉइंट वैल्यू आपसे नीचे जा चुकी है, साल, 1.5 साल 2 साल में, क्योंकि वो जानते नहीं साहब ये बिजनेस प्लान क्या डिमांड करता है, इस बिजनेस प्लान की रिक्वायरमेंट क्या है। वो अनाप शनाप तरीके से उससे कर रहे हैं, उसका खामियाजा वो भुगत चुके हैं और भविष्य में और उनको पता चल जाएगा। अल्टीमेटली क्या है, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, आपकी सारी इनकम सेल्स से रिलेटेड है जी, और जब आप डिस्ट्रीब्यूशन में से जाते हैं तो जो आपके बिजनेस प्लान को और स्टेबल बनाए और इनोवेटिव बनाए और सस्टेनेबल बनाए, वो चीजें करनी चाहिए। फोर्ड ने गाड़ी बनाई जी, अगर वो फर्दर उसे डेवलप नहीं करता रहता तो वो गाड़ी आज मस्तांग नहीं होती जी, वो गाड़ी आज एंडेवर नहीं होती जी। आप देखिए जब पहली एंडेवर इंडिया में आई थी तो वो कैसी थी, उसकी मेंटेनेंस क्या थी, आज वाली कैसी है। आप फॉर्च्यूनर को देख लीजिए, पहली कैसी दिखती थी आज वाली कैसी दिखती है। आप मस्जिद को देख लीजिए, पहले वाली कैसी दिखती थी आज कैसी दिखती है। आप रोल्स रॉयस को देख लीजिए, पहले वाली कैसी दिखती थी आज कैसी दिखती है। आप उनके बिजनेस मॉडल को देख लीजिए, आप टाटा को देख लीजिए, आप रिलायंस को देख लीजिए, आप गूगल को देख लीजिए, ये बिजनेस मॉडल्स हैं। विद द टाइम आपको अपडेट करना पड़ेगा, आप अपडेट नहीं करोगे तो आप आउटडेटेड हो जाओगे। अब कुछ लोगों को ये बात समझ में आएगी, कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी, नहीं आएगी। सिंपल है, आपको अपने मॉडल को ज्यादा सस्टेनेबल बनाना है जी, ज्यादा स्टेबल बनाना है जी, ज्यादा मैं कहूंगा इनोवेटिव बनाने की जरूरत नहीं है जी जी, और ऐसा बनाना है जो इक्वली बॉटम से लेकर टॉप तक का जी ख्याल रखता। कि सैकड़ों की तादाद में ऐसे अचीवर्स यहां पैदा हुए हैं जो कि फ्रेशर थे, जो नेटवर्क मार्केटिंग या तो पहली बार स्टार्ट की थी या किया भी था तो कुछ उनके अचीवमेंट नहीं थी, 10-5 हजार के ऊपर अचीवमेंट नहीं थी। सर, ये कैसे पॉसिबल हो पाया आपके हिसाब से? देखिए, मैं फिर एक चीज कहता हूँ, रिवोल्यूशन इसी का नाम होता है।